वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर का क्विक रिवीजन करेंगे. मतलब जल्दी जल्दी हम ग्रामर के सभी टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो एग्जाम में चैप्टर्स आ रहे हैं, आज हम उन सभी चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे. तो देखो, आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 और 6 आ रहा है. सबसे पहले हम उस पर स्टार्ट करते हैं. तो वर्ब क्या होता है बेटा? ऐसा कोई भी एक्शन वो क्या कहलाएगा? वर्ब. जैसे मैं बोल रही हूँ तो स्पीक, स्पीक क्या होगा? एक वर्ब होगा. आप सुन रहे हैं तो लिसन, ठीक है. आप समझ रहे हैं तो अंडरस्टैंड. आप देख रहे हैं तो वॉच. तो जो भी एक्शन हो रहा है वो आपका वर्ब है, ठीक है. नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा? नाउन के बारे में जो हमें बता दे, नाउन के बारे में हमें जो डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दे, या हमको इन्फॉर्मेशन जो देता है वो एडजेक्टिव कहलाता है. जो नाउन के बारे में हमें और ज़्यादा बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास वाटर बॉटल है. अब स्टूडेंट्स, ये वाटर बॉटल तो है, पर ये कौन से कलर की है? रेड कलर की वाटर बॉटल है. तो रेड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा. और बॉटल क्या है? एक नाउन है, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए, आप अगर किसी भी चीज़ का, कोई भी नाउन है, उसके बारे में जब आप क्वालिटी बताते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है. जैसे कि ये बुक कैसी है? ठीक है, मोटी है, वो ग्रीन कलर की भी है, तो ये इसका एडजेक्टिव हो गया. बिल्डिंग कैसी है? टॉल है. बॉल कैसी है? राउंड भी हो सकता है इसका एडजेक्टिव. कलरफुल भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है. तो यहाँ पर जो पिक्चर है या जो नाउन है उसके बारे में जो हमें बता दें, डिस्क्राइब कर दें, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जो हमें प्रेजेंट के बारे में बता रहा है. तो देखो, इसमें क्या होता है बेटा कि आप सभी को ये पता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे आपको पता है. ये क्या है? ये आप लोगों के प्रोनाउंस हैं. प्रोनाउंस जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं. अब देखो, आई, वी, यू और दे के साथ में जब वर्ब लगता है तो उसमें एस और ईएस नहीं लगता है. पर ही, शी, इट, ही, शी, इट या किसी एक का नाम होगा बेटा, तो वर्ब में हम एस और ईएस ऐड करेंगे, ठीक है. देखो, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे के साथ में वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता है. पर ही, शी, इट या किसी एक का नेम है तब हम वर्ब में एस और ईएस ऐड कर देते हैं, ठीक है. यह कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है. अब देखो, अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई है तो हम आई ई एस लगाते हैं. किसी वर्ड के एंड में ओ हो, सी एच हो, एक्स हो, डबल एस हो, एस एच हो, मतलब कोई वर्ड है, कोई वर्ब है, उसके एंड में ओ आ रहा है, सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है, डबल एस आ रहा है, एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? उसके साथ में ई एस ऐड करेंगे, ठीक है. और ई एस किसके साथ में ऐड होता है? एस, ई एस, आई एस, ये हमेशा ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में यूज़ होता है, किसी एक नाम के साथ में, क्लियर है. नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस. इसमें क्या होता है बेटा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहती है, ठीक है. जैसे वॉक का, वॉक्ड पीछे ईडी लग जाता है, वो मैक्सिमम टाइम पास्ट का सेंटेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस. जिसमें लास्ट में क्या हो रहा है? ईडी लग रहा है, वो सिंपल पास्ट टेंस का है, ठीक है. तो आप ये एक बार ये पास्ट फॉर्म्स याद कर लेना. पास्ट टेंस में जो वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म लगती है, तो ये सेकेंड फॉर्म्स आप लर्न कर लेना. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब ये चीज़ हो रही है, तो हो रही है आपको पता है ही, शी, इट, इसके साथ में आप इज यूज़ करते हैं, इज, और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं. क्या करते हैं आप? ही, शी, इट किसी एक का नेम है तो आप इज लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं. और वैसे ही आई के साथ में एम, यू, वी, दे के और दो लोगों के नाम है तब हम आर वर्ड यूज़ करते हैं और आईएनजी लगा देते हैं वर्ब में. वो कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? ये हमें ये चीज़ चल रही थी, मतलब पहले चल रही थी, अभी नहीं चल रही, पास्ट के बारे में बताता है. तो देखिए, इसमें क्या होगा? आईएनजी तो लगेगा वर्ब में, पर वॉज किसके साथ में लगता है? आई, ही, शी, किसी एक का नेम और इट होगा तब हम वॉज लगाएंगे. यू, वी, दे और दो लोगों के नाम होंगे तब हम वर लगाएंगे. दैट्स इट.
नेक्स्ट है बच्चों एडवर्ब्स। एडवर्ब्स जो हमें वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। देखो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडवर्ब मतलब जो वर्ब इसी के अंदर आ रहा है, तो वर्ब की क्वालिटी बताएगा तो एडवर्ब, और नाउन की क्वालिटी बताएगा तो एडजेक्टिव। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे वर्ब, क्या वर्ब हो रहा है, ये चल रही है, तो कैसे चल रही है, क्विकली जल्दी जल्दी चल रही है, ठीक है। ये गा रहा है, कैसे गा रहा है, खुश होके, हैप्पीली, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ ly ऐड करते हैं हम एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए, ठीक है। कोई भी काम, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग क्विकली, मैं पढ़ा रही हूँ क्विकली, ठीक है। आप समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी, यू आर अंडरस्टैंडिंग फास्टली, आप जल्दी जल्दी समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब कोई वर्ब की क्वालिटी बताएगा तो एडवर्ब लगाएंगे, वो वर्ड क्या कहलाएगा, एडवर्ब। जैसे टॉर्टोइस, टॉर्टोइस कैसे मूव करता है बेटा, स्लोली, तो मूव मतलब मूवमेंट, कैसे वो बढ़ता है, आगे बढ़ता है, वर्ब है बढ़ना, ठीक है, कैसे बढ़ता है वो, स्लोली, तो ये क्या हो गई, एडवर्ब हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा चैप्टर नंबर 13, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। एंड जब दोनों चीज़ों की बात होगी तब हम एंड यूज़ करेंगे। बट कब यूज़ करेंगे, जब दो अलग अलग आइडियाज़ पर बात होगी और आप एक चीज़ से तो एग्री हैं पर दूसरी चीज़ से आप एग्री नहीं हैं, तब आप बट यूज़ करेंगे। और कब यूज़ होगा, जब दोनों में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो, मुझे मैथ्स और साइंस दोनों पसंद है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई लव मैथ्स एंड साइंस। अब अगर मैंने कहा कि, मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या पसंद है, डू यू लाइक अ पेन और पेंसिल, आपको पेन और पेंसिल दोनों में से क्या पसंद है, जब किसी एक की बात आएगी तब हम और यूज़ करेंगे। और बट कब यूज़ करेंगे, जैसे ही इज़ टॉल, ये लंबा है, बट हिज ब्रदर इज़ शॉर्ट, उसका भाई कैसा है, शॉर्ट है, स्मॉल है, ठीक है। तो हमने बट कब यूज़ करा, जब हमको पर बोलना है। तो आप यहाँ पर सेंटेंस में अगर आपको देता है तो आप अंडरलाइन करके बता देंगे कंजक्शंस, ठीक है। जब दोनों को ही लेना है, दो लोगों का नाम है, जैसे ऋषि इज़ गोइंग टू स्कूल, सोमा इज़ गोइंग टू स्कूल। अब देखो, इज़ गोइंग टू स्कूल दोनों जगह सेम है, तो हम क्या करेंगे, ऋषि एंड सोमा आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। दोनों में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है तब हम और वर्ड यूज़ करेंगे, और दोनों में किसी अलग अलग चीज़ों को लेकर हम बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं, तो हम बट मतलब पर यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ है। ऑन मतलब टेबल के ऊपर, टू मतलब किसी डायरेक्शन को बता रहे, ओवर के ऊपर से, इन मतलब किसी चीज़ के अंदर, बिटवीन मतलब दो चीज़ों के बीच में, एट जब हम पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताते हैं तब हम एट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें आगे फर्स्ट लेटर कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो वो स्टेटमेंट। और क्वेश्चन जिसका फर्स्ट लेटर तो कैपिटल है पर लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। स्टेटमेंट हमें बताता है कि कोई चीज़ क्या हो रही, कोई भी चीज़ हमको सिर्फ बताने का जो काम करता है वो स्टेटमेंट। जैसे आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, मैं 7 ईयर्स ओल्ड हूँ बता रहा है। अब मैंने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब जब क्वेश्चन जब करेगा तो वो हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, स्टेटमेंट के एंड में फुल स्टॉप आता है। नेक्स्ट है पंचुएशन। पंचुएशन मार्क क्या कहलाते हैं, जैसे कैपिटल लेटर है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, ये पंचुएशन मार्क कहलाते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस हो उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, अगर स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप लगाना है। प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा है, ठीक है, जो पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बताता है। किसी का प्रॉपर नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल करेंगे, तो ये होते हैं पंचुएशन, ठीक है। एक होता है कॉमा, जब लिस्ट दी रखी हो दो से ज़्यादा चीज़ों की तब आप क्या करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे, पर एंड के पहले कॉमा नहीं लगाते हैं, ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट है वर्ड्स इन पैर, जो वर्ड्स पैर में है, जैसे हॉट, कोल्ड, पॉट्स, पैंस, डे, नाइट, एक तरीके से ये अपोजिट्स हैं वर्ड्स इन पैर। इज़ इट क्लियर।
नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4, जेंडर। जेंडर मतलब एक होता है मस्कुलाइन जेंडर और एक होता है फेमिनाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर मतलब जितने भी मेल हैं, ठीक है, वो होंगे मस्कुलाइन जेंडर। जितनी भी फीमेल है वो होगी फेमिनाइन जेंडर। मतलब मेन, ग्रैंडफादर, बुल, रोस्टर, ये सब क्या है, मेल कैटेगरी है। तो ये मस्कुलाइन जेंडर, वुमेन, ग्रैंड मदर, काउ, हैन, ये सब क्या है, फीमेल है, तो ये फेमिनाइन जेंडर। अब आपको अपोजिट जेंडर तो पता ही होगा, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फिशर वुमेन, फिशरमैन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये, हस्बैंड, वाइफ, सर, मैडम, ये क्या है, हमने अपोजिट देखे, वो भी जेंडर बेस्ड, ठीक है। लास्ट है अपोजिट्स। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोगों का चैप्टर है वोकैबुलरी का अपोजिट्स। अपोजिट मतलब जो एक दूसरे से बिल्कुल पूरे तरीके से डिफरेंट है। जैसे हॉट मतलब गर्म, तो कोल्ड मतलब ठंडा, राइट मतलब सही और रॉन्ग मतलब गलत, तो ये क्या कहलाते हैं, अपोजिट्स कहलाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अपोजिट्स भी क्लियर हैं। सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आज हमने क्विक रिवीजन करा है पूरी ग्रामर का। स्टूडेंट्स पैसेज रहेगा, तो पैसेज को आप क्या करेंगे, पैसेज को आप रीड करेंगे, अपनी फैमिली में, पेरेंट्स से, किसी से हेल्प लेकर उसे समझेंगे और नीचे के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे। आपको लेटर जो एप्लीकेशन है वो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी है, आप अच्छे से लर्न करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स ग्रामर आपको क्लियर है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप क्या करेंगे बेटा, आप मेरे जो वीडियोस हैं पुराने वो फिर से देखेंगे, ओके, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो ऑनलाइन क्लास में पूछेंगे। स्टूडेंट्स कंपाउंड वर्ड्स मैं एक्सप्लेन करना भूल गई थी। कंपाउंड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को लेकर मिलकर बने हैं, जैसे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, वाटर मेलन, वाटर मेलन। इज इट क्लियर? आई होप आपको अब ग्रामर क्लियर है। कोई डाउट्स रहते हैं तो ऑनलाइन क्लास में आप पूछ सकते हैं, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।